हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में, है ना। नोट्स ऑलरेडी बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, आप तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टेशनरी स्टेट्स है उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आप लोग ध्यान से देखना, अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहूँ तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। एक होता है साई आर वेक्टर, जो कि होता है टाइम इंडिपेंडेंट, एक होता है साई आर वेक्टर कोमा टी, है ना। ये दोनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पहला वाला टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और दूसरा वाला टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम लोगों को ये सेकंड वाला कंसीडर कर लेना है। तो मैंने यहां पर पहले लिखा, लेट अस कंसीडर सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि होगा पोजीशन और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है ना। एंड हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, स्टेशनरी स्टेट। और स्टेशनरी स्टेट क्या है आप लोगों को पता होगा, है ना, वो क्वांटम स्टेट जिसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है ना। और उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, nth order जो होता है वो होता है psi n r vector comma t, क्योंकि ये भी क्या होगा, time dependent होगा, है ना, उसे हम लोग consider कर रहे थे। और इसका formula क्या था, इसका formula था ये वाला, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग ध्यान से देखना, psi n r vector comma t is equal to psi n r vector, position का जो function है और यहाँ पर time का function है, दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, है ना। और ये क्या था, stationary state का formula, ये आप लोग solution का हो, है ना, या expression का हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, और stationary state का एक मैंने dedicated video बनाया हुआ है, अगर आप लोग confusion हो रहे कि stationary state क्या है, आप लोग वो वाला लेक्चर पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स में, ठीक है ना। देखिए स्टेशनरी स्टेट्स का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, जैसे कि साई वन, साई टू, साई थ्री, साई एन तक हो सकता है। अगर इन सब का मैं लीनियरली कंबाइन कर दूं, यानी कि साई वन प्लस साई टू प्लस साई थ्री प्लस साई एन ऐसा कर दूं, साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे, तो इसका जो मेन सम का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन ही होगा टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन का। ये हम लोग को दिखाना है, लेकिन लिखेंगे कैसे हम लोग, लिखेंगे then if psi 1 r vector comma t, है ना, psi 2 r vector comma t, ये क्या, ये सब क्या है, ये stationary states का अलग अलग values है। ऐसा करते करते हम लोग psi n r vector comma t को consider कर लेंगे, are different possible solution of time dependent Schrodinger equation, then a linear combination, linear combination मतलब इसके ऊपर कोई power power नहीं होगा, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ linearly combine करेंगे इसे। इसे अगर हम लोग combine कर दे, इसे अगर हम लोग combine कर दे, तो जो solution निकल के आता है main value, वो भी क्या होगा, एक solution होगा, और वो क्या है, ये है हम लोग का time dependent Schrodinger equation का solution, है ना। तो हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां पर C1, C2, CN क्या है, कॉन्स्टेंट है, साई वन वेक्टर को मैं कितनी क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर यहां पर क्या है, स्टेशनरी स्टेट का वैल्यू होगा, है ना। और यहां पर साई एन मतलब nth ऑर्डर जो मतलब स्टेशनरी स्टेट का वैल्यू है, तो इसी तरह साई टू साई थ्री वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और जो यहां पर आप लोगों को C1, C2, C3, CN का वैल्यू देख रहा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। जो कॉन्स्टेंट का वैल्यू रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर इज psi r vector comma t is equal to, ना, इन सब टर्म्स को c1 c2 cn तक जाएंगे, तो यहां पर cn तक जाएंगे, और साथ में क्या, c1 psi 1 तो cn psi n होगा, c2 psi 2 cn psi n होगा। तो ऐसा करके हम लोगों ने समेशन के फॉर्म में लिख दिया है, और यही टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था। इसके प्रीवियस वीडियो पर क्वांटम लेक्चर पर जो मैंने लेक्चर बनाया था वो भी इसी तरीके से था, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।